मॉर्निंग हो चुकी है और चलो चलते हैं नकुल जी के। नकुल जी ने लिया है न्यू ऑफिस, तो आज है मुहूर्त, तो पूरा एड्रेस वगैरह आप लोगों को सब कुछ देंगे। तो फिलहाल मैं और ताई जा रहे हैं गाड़ी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी हो गई और फिर मुझे आ गई ताई, फिर मुझे कि ताई और मैं जा रहे हैं तो क्या ही स्कूटी पे जाएंगे। यू रेडी? टाइम हो रहा है 10:10, ताई और मैं निकल चुके हैं, चलते हैं। फिर होगा तो नकुल का आपको पूरा एड्रेस भी दे देंगे। हो गाड़ी गली से निकालना इज अ टास्क। अरे भाई वहाँ भी गाड़ी है, कहाँ निकल जाएगी, निकल जाएगी। सामान का सुकून का कुछ, मैं तो जैसे आती हूँ रोज वैसे ही कर। मेरा सामान तो सारा नकुल ने इकट्ठा कर ही लिया सब कर। नो होटल है ना, होटल उसके आगे। झंडा लाल मंदिर के सामने नो होटल है, उसके आगे देखता ही। मुझे सोनी का बता रही थी, नारियल पानी की तासीर क्या होती है जरूर बता रहा। ताई कह रही है गर्म होती है, मैं कह रही हूँ ठंडे होती है। तो नारियल पानी की तासीर ठंडी होती है, ताई कह रही है गर्म होती है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि तासीर गर्म होती है या तासीर ठंडी होती है। तासीर हो, बंदे सोचेंगे तासीर क्या, समझ जाएंगे तासीर मतलब, तासीर मतलब समझाओ आप। ठंडा तासीर हो, समझ जाएंगे मेरे सब्सक्राइबर्स, इंटेलिजेंट है। बहुत ज्यादा हरियाणवी तासीर, हरियाणवी वर्ड है, है? अम्मा से सीखा है। तो आई कल मिली, परसों मिली एक अम्मा, देखा आपने मेरे व्लॉग में, सेम अम्मा है। और वो जैसे अम्मा करती थी ना, बिना स्कैनर स्कूनर के भाग गई अंदर, सारे सेवादार आवाजें लगाते रह गए। मेरा व्लॉग देखना अगर नहीं देखा तो, अम्मा वाला सेम अम्मा। अरे माँ नहीं देखा क्या, सेम ही अम्मा। ये क्या था, ये क्या, अरे अपने उज्जैन में बहुत भीड़ लग रही थी, एक अम्मा को क्या किया, अम्मा ने ग्रिलो पे से उससे आ गई, सारे पुलिस वाले आके उसको कहने लगे ऐसे भगा रहे हो कर रहे हो, ग्रिल के ऊपर से ही आ गई थी। वीडियो में ही देखा था। अम्मा और ही सोचते हैं, अम्मा जैसे कहती थी मैं तो बुड्ढी लगाई हूँ, मन्ने के कोई कहेगा। तो ये वाली अम्मा वही थी, 80 साल की हूँ, बुड्ढों ने तो वैसे भी माफ। अम्मा कहती थी सही कहती थी, बेटा बड़ा बुड्ढों का तो बहुत बड़ा आशीर्वाद। तो सामने झंडे वाला मंदिर है एंड ये रहा नोवोटेल होटल, यहीं पे ही सोनी का घर है, यहीं पे ही नकुल जी का ऑफिस है। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं 11 बजे। मेरी घड़ी बंद कैसे हो गई है? सो ताई और मैं, टाइम हो रहा है आई गेस 11, मेरी वॉच बंद है, मैं बंद वॉच ही पहना ही। चलते हैं ताई के साथ, अब हमें पता नहीं है जाना कहाँ है, बस हम जा रहे हैं। सो ये रहा पहाड़गंज वाला नोवोटेल, और यहीं पे सिटी सेंटर वाले में हमें सेकेंड फ्लोर में जाना है, नाकुल के ऑफिस 204 सिटी सेंटर वाली बिल्डिंग में। हाय गाइस, पार्टी दो। बहन तूने पहले की भी पार्टियां दे रही है यार, तू तो शर्म कर ले। मैं तो ड्यू ही ड्यू कर रखी है, तेरे ऑपरेशन की भी ड्यू है, तेरे कान का ऑपरेशन किया था मैंने, इतना मेरा कर्जा लेके कहाँ जाएगी तू? ताई ने लेट कर दिया आज, बाहर निकाल दो। ताई ने लेट कर दिया आज, मेरी क्रॉक स्टोरी नहीं होनी चाहिए, सुंदर है। 2 रुपए की पंडित जी, राम राम, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पार्टी पार्टी डे ऑफिस खुल गया, इतने सालों की इच्छा।
ये फ्रेंड्स ये देखिए आज हो गया ड्राइंग रूम का काम। ये सारा हमने खाली कर दिया है। डाउट लाते हैं तो प्रभु की पूजा में आक्षेप लगता है, कहते पूजा रुक जा रही है, कहते अगर मुझे बिठा दिया श्री गणेश हम विराजमान कर दिया अभी बैठ गए हैं तो इनको बोलना भाई तुम नहीं करना है, तुम आ गए तो पहले इसलिए ईश्वर को बिठाया जाता है, गणेश जी को बिठाया जाता है, नाजुक रखा जाता है, सारी चीजें उनको सामग्री दी जाती है, तो सब कुछ आप ही का है और हम भी आप ही के हैं, अगर हमारा ध्यान नहीं रखोगे तो हम आपका ध्यान नहीं रखेंगे, सीधी सी बात है। तो उनको तो भैया पूजा चाहिए ना, चाहिए कुछ बत्ती चाहिए, दूध चाहिए, फूल चाहिए, तो हमारा ध्यान रखेंगे। यही नियम होता है पूजा का कि आज हम आपको अपनी पूरी तरह समर्पित कर रहे हैं, जो हमारे पास है सामर्थ्य और जितना हम कर सकते हैं थोड़ा ज़्यादा वो आप जाने, ज़्यादा वो ऐसे बड़ा करेंगे, इससे बड़ा भी करेंगे। तो इसमें इसीलिए संकल्प किया जाता है कि प्रभु जाने अनजाने हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह गई, कोई कमी रह गई, तो वो हम अवश्य सुधार कर दें और आप उसको ग्रहण करो। बस जब ईश्वर कहते हैं किसी भी जगह में विराजमान हो जाते हैं तो उस जगह को बड़ा कर देते हैं, और यही नियम है पूजा का, इसीलिए पूजा की जाती है। ओम अधिकरणावरणम चक्रतपो ठीक है खुल के सांस आएगी बहन। धुआं नहीं चाहिए तो कम डालना, इसका तरीका एक ही है, धुआं कम होगा तो कम डालना चाहिए लोग फटाफट। इसका पंडित जी गला खराब हो गया ना, मेरा भी गला पैर मर गए। पकड़नी भी है ऑन टाइम हो गाइस। तुम ओम जय जगदीश हरे हरि सब के प्राणपति इस विध मिलो दया में कैसे आऊं शरण में तुमको मैं तुम की ओम जय जगदीश हरे तुमने हाथ द्वार खड़ा मैं तेरी ओम जय जगदीश हरे। मैं तू रो मत मैं तेरे साथ हूँ, मैं चल रही हूँ तेरी और वीडियोस बनाने वंदन वार की। हाँ चलेगी ओए दीदी।
हेलो भाई आ जाओ गुगी पारी करो गुगी पारी करो गुल्लू मासी से नहीं मिलना रिद्धि सिद्धि मिल रही है ओए होए प्यार दोनों पैरों का अभी देख रहा अभी टॉय के लिए लड़ेंगी अभी चॉकलेट आ जाए तो लड़ेंगी तुम लोगों ने बेचारी को चॉकलेट खा ली बड़ी वाली हाँ छुपा दी मौसा जी से तो मिलो मौसा जी मासी मामू ओए होए मुझसे तो मिले ही नहीं आज आप आओ मुझसे तो मिलो मामी से तो मिल लो आज इसका हैप्पी डे है स्कूल से आके मासी से भी नहीं मिले मेरे से भी मिले पर मामी से मिल लो अक्की कर लो क्या हो गया आज मुझे उस दिन पता है मुझे क्या कह रही है मैंने आपको उस दिन अपनी नानी दिखाई थी ना वीडियो कॉल पे नहीं आती मैंने कहा मामी को बुलाया नहीं है इस दिन आती उस दिन इसका वीडियो कॉल आ गया गुल्लू मासी मासी मेरी नानी से बात की इसने मेरे मामा से प्रिया इसको भी खिला दे प्रिया इसको भी खिला दे गुल्लू परांठा फिनिश कर ये नहीं खोलना बेटा ये अभी नहीं खोलना छोटा है ना गुगू गुगू को नहीं पीना ये ठीक है नो कर दो छोटे बच्चे नहीं पीते अभी बड़ी है अभी बड़ी पीने के नाम पे अभी बड़ी है ये गिफ्ट ईवल आई मैंने इससे ऊपर लगा दे ऊपर वाली में भी लग जाएगा मेहनत कर थोड़ी कर 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 गुग्गा गुग्गा आपने मासी को थैंक यू तो बोला नहीं गुल्लू थैंक यू बोलो थैंक यू गुगू को भी बोलो उठाओ बेटा सबका लंच एंड ब्रेकफास्ट एक साथ अभी नहीं अभी नहीं खाई अरे नहीं 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 अभी नहीं खाई अरे इसी से तो चलेगा बस बस पंडित जी इन्हें मेरे को लिफाफा चाहिए गाइस इन्होंने मुझे वो टरकाया है लिफाफे में कुछ और माल है पागल है क्या भाई मैं तू घर जाएगा ना घर आएगा ना चाची को खुद दियो अबे तू चाची को खुद दे दी एंड नकुल ने फाइनली बहुत टाइम से नकुल एंड सोनी का इनका प्लान था कि हम एक ऑफिस लेके ऑफिस स्टार्ट करेंगे एंड फाइनली नकुल की वो विश एंड वो एक न्यू चीज़ स्टार्ट हो चुकी है तो नकुल का जो ऑफिस है वो मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ दोबारा से जो झंडे वाला मंदिर है पहाड़गंज में उसके सामने नोवोटेल होटल खुला है नोवोटेल के जस्ट साथ में तीन बिल्डिंग्स हैं उसमें सिटी सेंटर वाली बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर पे 204 नंबर नकुल का है आप लोग उसके ऑफिस में विजिट कर सकते हो उसको कॉल करके एंड साथ में आप उसको डायरेक्टली कॉल करके भी अपने ये ट्रिप के पैकेजेस वगैरह बुक करा सकते हो कोई भी ट्रेन की टिकट फ्लाइट की टिकट और अपने पैकेजेस टूर पैकेजेस मैं जो फुकेट गई थी वो मैंने पूरा प्रॉपर नकुल से लिया था तो ऐसा नहीं है कि मेरा भाई है या मेरे रिलेटिव है तो इसलिए आई एम प्रमोटिंग बट जनरली जब मतलब मैंने फुकेट पैकेज लिया था नकुल सोनिका से तो मेरे को बहुत मज़ा आया था एंड मेरे को रीजनेबल पैकेज मिला था तो आपको कहीं पर भी जाना है कोई भी वैष्णो देवी या मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी
तो आप नकुल एंड सोनिका से बुकिंग करा सकते हो और आप ऑफिस में भी जाके विजिट कर सकते हो। तो मैं इधर नकुल का नंबर दे देती हूँ एंड एड्रेस मैंने बताई दिया, मेरे पास एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है नकुल से, मैं एग्जैक्ट एड्रेस लेके भी आप लोगों को दे दूंगी। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। एंड प्लीज़ अगर आपको कुछ काम हो तभी नकुल को कॉल या मैसेज करना, क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे फेक मैसेजेस एंड कॉल्स भी आते हैं, तो प्लीज़ वो चीज़ अवॉइड करना।